उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े बम के धमाके से दहशत फैल गई। धमाकों की आवाज सुन पीड़ित घरों के अंदर दुबक गए। धुएं को देख घर के बाहर निकल पुलिस को सूचित किया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं पीड़ित मकान मालिक की माने तो घर में सभी लोग अपने काम में लगे थे, तभी अचानक एक के बाद कई धमाके हुए, जिसके बाद पूरे घर में धुआं धुआं भर गया। भागकर तुरंत बाहर आए और पुलिस को फोन कर सूचित किया। वहीं इस घटना के बारे में एसपी से बात की तो उनका कहना था अभी तक परिजनों द्वारा कोई तहरीर धमाके की नहीं मिली है, लड़की को भगा ले जाने का मामला है जिसकी जांच चल रही है। लड़का लड़की दोनों बालिग है, दोनों अलग अलग समुदाय के हैं। जानकारी नहीं, तब हम बाथरूम में नहा रहे थे तो पड़ाका पड़ा 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 बंद फूटने लगे, जैसे निकल गया धुआं धुआं हो गया। फिर थोड़ी देर में जब हम झाँके तो बाहर भीड़ लगी थी, निकल गया तो लोग आए कि तीन लोग मोटरसाइकिल से आए, लड़के थे मोटरसाइकिल से थे, गाली गलौज कर रहे थे, फटाफट बम फेंक रहे थे हमारे सबके लिए और बम के सब खाते का देखा। अभी हमारा कोई विवाद किसी से नहीं, कौन लोग अभी तक नहीं कोई जानकारी नहीं, पुलिस को आगे बताया यही थी हमारी इंटरव्यू हुई यही बात। पुलिस क्या अभी हमको कुछ मालूम नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है और हमारा किसी से कोई विवाद नहीं ना कुछ है। नहीं, पुलिस को आपने सूचना दी है तो जिस नंबर बताया था कि हमारे घर में बम चल गए हैं, कभी भी हमने ये बताया किसी से कोई विवाद नहीं है। लोगों को पहचानते हैं? नहीं, हम नहीं पहचानते, हमें मतलब हमने देखा ही नहीं, मतलब कैसे आए कैसे गए क्या किया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद हसन। ऐसी कोई बात अभी तक संज्ञान में नहीं आई है, यदि कोई तहरीर आता है, कोई इस तरह की बात बताई जाती है तो निश्चित रूप से उस पर अभियोग पंजीकृत करके हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। जो संज्ञान में आया है वो ये है कि एक लड़का और एक लड़की जो है ये अपनी आपसी सहमत से, जो कि बालिग हैं, ये चले गए हैं, इनके भागने की बात आई है, हम उसकी जाँच करा रहे हैं और जो भी तहरीर मिलेगा हम पूर्णतया विधिक कार्रवाई करेंगे।